हाय फ्रेंड प्रेशर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर आप सभी को मैं दिखाऊंगा कैरम पूल के अंदर आप कैसे नेम चेंज सक्सेसफुली कर सकते हो। तो आप जब गेस्ट अकाउंट को बहुत ही बड़ा कर चुके हो, उसके बाद दोस्तों गूगल या फेसबुक अकाउंट के साथ कनेक्ट कर चुके हो, आपकी नेम दोस्तों मैच नहीं हुआ है, तो उसके बाद आप आपकी नेम चेंज करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो कैरम पूल की होम स्क्रीन इस तरीके से ओपन होता है, उसके बाद प्रोफाइल के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ता है, जहां पर मैं दिखा रहा हूं इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों प्रोफाइल कैरम पूल के अंदर ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रोफाइल के ऊपर जो पेंसिल की लोगो है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, तो जहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों चेंज नेम इधर 2 से 16 इन कैरेक्टर्स आप इधर लिख सकते हो। तो इधर और मैं इधर नेम चेंज कर रहा हूँ, तो फास्ट नेम जो चेंज आप करने से इधर फ्री मिलेगा, फ्री में आप दोस्तों फास्ट नेम इधर चेंज कर पाओगे। तो उसके बाद जो नेम चेंज करने की जो ऑप्शन है, इधर आपको 100 डायमंड देके आपको इधर चेंज करना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं है, 100 डायमंड देके आपको चेंज करना पड़ेगा। तो फास्ट नेम जो है वो दोस्तों फ्री है, और जब भी दोस्तों फास्ट नेम चेंज करके दूसरी बार आप चेंज करना चाहते हो, तीसरी बार चेंज करना चाहते हो, उसके बाद से 100 डायमंड करके आपको लगेगा। तो इसी तरीके से आप इधर नेम चेंजेस कर सकते हो। तो उसके बाद दोस्तों प्रोफाइल किस तरीके से आप डेवलपमेंट कर सकते हो, आपकी जो प्रोफाइल है कैरम पूल की जो प्रोफाइल है इसे आप किस तरीके से डेवलपमेंट लेके आ सकते हो वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो प्रोफाइल के अंदर आप जो स्ट्राइकर लेके खेलोगे, जब दोस्तों गेम प्ले करते हो किसी भी ऑनलाइन फ्रेंड या आपके फ्रेंड के साथ, जो भी स्ट्राइकर के साथ आप खेलना चाहते हो वो स्ट्राइकर आप इधर चूज कर सकते हो। उसके बाद आपकी जो गोटी है, जो गोटी से आप मारते हो स्ट्राइकर, वो गोटी की भी कलर आप इधर चूज कर सकते हो। तो उसके बाद आपकी जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल पिक भी आप इधर चूज कर सकते हो, तो आपकी जो फेसबुक की जो ऊपर पिक है वो भी आ जाएगा। तो जो कुछ भी आप इधर सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हो। उसके बाद प्रोफाइल सेव कर लेने के बाद मॉडल्स वगैरह सब कुछ आप इधर से प्रोफाइल को चेंजेस पे लेके आ सकते हो, लेकिन इधर लॉक दिया हुआ है, लॉक को आप ओपन करना पड़ेगा।